an x square प्लस 9x, राइट, प्लस 9 ही आएगा, हाँ, देन प्लस 14 इक्वल टू 0. तो अब निकालो, यहां से तुम्हें डील मिलेगा भी. चेक करना, यहां से डील मिल भी रहा है, एक बार तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें. यहां से यू विल नॉट फाइंड एनी रियल रूट अनफॉर्चुनेटली. हमारा लक इज वेरी बैड, यहां से तो मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन ये थी, राइट, वहां से मुझे एक इक्वेशन मिली. अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ से तो रियल रूट्स मिले ही नहीं, तो अब दूसरी इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, दैट इज 10a माइनस b इक्वल टू 0. ऐसे लिख दो 10a इक्वल टू b, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा, राइट. ये जो चीजें मैं करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज नहीं करी थी, ऐसे ही कर दिया था, ये चीज यूजुअली तुम भी करते होगे, राइट. एंड देन यू रियलाइज कि मुझे ट्रांसपोज करके कर लेना चाहिए, बिकॉज ये कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, कंपैरेटिवली. तो ये चीजें तुम अपने दिमाग में लेके आया करो. एंड अगर तुम बोले मांगे तो हमें डायरेक्टली दिखता है, गुड. जिनको नहीं दिखता ये तभी मिलेगा जब तुम क्वेश्चन करोगे, राइट. तो 10a इक्वल टू बी, तो 10 इंटू ए क्या था, एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू बी एस एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम 10 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट. सो दिस बिकम 10x स्क्वायर. अब यहाँ से अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और बाहर 10 है, माइनस 30x. अब प्लस 2 बनना था, बाहर 10 है, तो प्लस 20. अब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ट्रांसफर करो, 9x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 18 इक्वल टू 0. ओ ठीक है, फैक्टर कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब 18 पे हो रहा है, देखो, थिंक ऑफ टू नंबर्स को सम इज माइनस 11, प्रोडक्ट इज 18, माइनस 2 और माइनस 9. So this is 3x square minus 9x minus 2x plus 6 equal to 0. यहाँ से 3x common into x minus 3, यहाँ से minus 2 common, x minus 3 equal to 0. So x की दो वैल्यूज आ गई, x is either 3 or 2 by 3. This is your answer. X is either 3 or 2 by 3. Now raise your hands if you found this question interesting. I did. Observation based है, तुम्हें सिर्फ देखना था, और डबल सब्स्टिट्यूशन थी, सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, डबल सब्स्टिट्यूशन. So it depends on the question कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है. हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है. So there are no hard and fast rules कि इसमें ऐसे ही होगा, इसमें ऐसे ही होगा. No. Look at the question, observe it, and then decide what you want to substitute. All right. चलो अब next देखो. नेक्स्ट वाला तो तुमने किया हुआ है, आई एम श्योर सब कर ही लेंगे. सॉल्व एक्स रेज़ पावर 4, सॉल्व एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन तुमने क्लास में किया हुआ है, सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू करेक्टली डू इट. Hurry up. Get the correct answer. अब जो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन होने वाले हैं मैं ऑलरेडी बता चुका, राइट? आई होप तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन दोबारा से ऑब्जर्व हो रही हो। ऑब्जर्वेशन रेशो 4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। आई थिंक हो रही है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। अच्छा ठीक है, राइट। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट 5, मतलब सेकेंड और सेकेंड लास्ट का कोएफिशिएंट सेम है। अब ये लोग इस केस में क्या करते हैं, जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनको साथ में लिखते हैं। तो x² प्लस 1 प्लस 5x³ प्लस 5 प्लस 2x² इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे 4th डिग्री है ना, बताओ किससे डिवाइड करूं? ये लॉन्ग टर्म टर्म है, यहाँ पे 4th डिग्री इक्वेशन है, किससे डिवाइड करूंगी? डिवाइड बाय x²। 4th डिग्री की इक्वेशन है तो x² से डिवाइड करोगे, कर लेना चाहिए फर्स्ट थिंग। चलो तो दिस बिकम्स x² प्लस 1 बाई x² प्लस 5x प्लस 5 बाई x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से 5 कॉमन आ रहा था ना, निकालो 5 कॉमन, तो दिस बिकम्स x प्लस 1 बाई x, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ पे है x प्लस 1 बाई x, यहाँ पे है x² प्लस 1 बाई x²। हाँ अच्छा, इसके स्क्वायर में ये आएगा ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं x प्लस 1 बाय x इक्वल टू y पुट कर देती हूँ। अब x² प्लस 1 बाय x² की टर्म कैसे आएगी? स्क्वायर करो दोनों को, x² प्लस 1 बाय x² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1 बाय x इक्वल टू y स्क्वायर। केयरफुल स्क्वायरिंग की है तुमने, यहाँ पे भी स्क्वायर करना है, राइट हैंड साइड में y स्क्वायर, राइट। ये तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली x² प्लस 1 बाय x² किसके इक्वल आया? y²। अब ये 2 बचा था, 2 इंटू 1 था ना, अब ये 2 बचा था, ट्रांसफर करो -2, राइट। ये इक्वेशन कहाँ थी? हाँ यहाँ पे थी। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब x² प्लस 1 बाय x² दैट इज y² -2 प्लस 5 इंटू x प्लस 1 बाय x दैट इज 5, तो 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। So this easy हो गया। How easy your life is sometimes. So this is y² plus 5y equal to 0. So y into 5, y plus 5 equal to 0. Easy होता है ना, तो चांसेस ज्यादा होते हैं गलती होने के, so be careful. So y is 0 और y is equal to -5. इसमें y किसके इक्वल है? x plus 1 by x. So x plus 1 by x is either equal to 0 or x plus 1 by x equal to -5, right? अब ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस टर्म्स आउट टू बी x square plus 1 equal to 0, right? x square equal to -1, ऐसा रियल नंबर उसका स्क्वायर करो और नेगेटिव टर्म आ जाए, इज दैट पॉसिबल? स्क्वायर ऑफ अ लीनियर, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव. That means no real root from this equation. अब ये देखिए, so cross multiply करो, पहले ऐसे हम लोग cross multiply करो, ये क्या बन जाएगा? x² plus 5x plus 1 equal to 0, right? अब obviously splitting the middle term से तो नहीं हो रहा, but quadratic formula तो आता है, so x equal to -5 plus -25 -4 that is 21 by 2. All right, so काफी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, राइट। सॉल्व 6x⁴ -25x³ प्लस 12x² प्लस 25x प्लस 6 इक्वल टू 0. है अब ऑब्जर्वेशन एक बार कंफर्म कर ले, मेरी और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सेम है कि नहीं. अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, डन. यहाँ पे -25 है, यहाँ पे 25 है, -25 है, 25. कोई बात नहीं, -10 के डिफरेंस है ना, देख लेते हैं. और 12 है, वो तो चलो मिल जाऊंगा, राइट. तो माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग. अच्छा, बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू कि मैं तुम्हें दो रूट्स बता देती हूँ, राइट. दो रूट्स में बोल देती हूँ, इसके आ रहे हैं 2 और 3. कैन यू गेस, अभी सिर्फ गेस करना है, कैन यू गेस दी अदर 2 रूट्स? याद है ना जैसे इक्वेशन थी, दिस इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन. नाउ रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों पड़ेगा, गेस कर लो अपने आंसर और नोट डाउन कर लो जो भी तुम्हारे गेस है साइड में, फिर देखेंगे लास्ट में मैच हो रहा है कि नहीं. गेस लिख लिया अपने, गुड. तो अब क्या करते हैं, अब सेम कोएफिशिएंट वालों को कंबाइन करते हैं. 6x² + 4 + 6 -25x³ + 25x + 12x² 0. अब कॉमन आउट ले लें यहीं पर, तो वहां से आ रहा है 6 कॉमन, तो दिस बिकम 6 × x² + 4 + 1. यहाँ से -25 कॉमन ले लें, तो दिस बिकम -+25 + 12x². अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है ना, किससे डिवाइड करूं? लोनसम टर्म है यहाँ पर, किससे डिवाइड करूंगी? x² से. तो दिस बिकम्स 6 × x² + 1/x² - 25 × x - 1/x + 12 = 0. क्या सब्स्टिट्यूट करूं? यहाँ पे x - 1/x, यहाँ पे x² + 1/x². कोई बात नहीं, अगर मैं x - 1/x² बाय डालती हूँ, इसके स्क्वायर में ये टर्म डेफिनेटली आएगी. स्क्वायर करना जरा, क्योंकि x² + 1/x² - 2 × x × 1/x, वो कैंसिल आउट, तो -2 = y². अब -2 को ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस बिकम y² + 2. बस हो तो गया. अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 × y² + 2 - 25 × y, और 25y लिखना चाहिए ना, 25y + 12 = 0. So this becomes 6y² - 25y + 24 = 0. अब सॉल्व करना जरा. मेरे टर्म स्प्लिट होती है, चेक कर लो एक बार. 24 × 6 है, तो 6 × 4 × 6. तुम अपनी स्प्लिट करो, मैं अपनी स्प्लिट कर रही हूँ, राइट. तो 8 से 8 into 3 18 into 8 9 to the top. So 2 into 3 hurry up 3 into 8 हाँ हो गया कर ली तुमने मेरी जो गोल मैंने भी कर ली सो दिस इज 6 - 6 - 16 - -9 प्लस 24 इक्वल टू 0 अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है डेफिनेटली y तो आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है राइट सो दिस इज 3y - 8 अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -3 So 3y - 8 equal to 0. So y is either 3/2 or 8/2. अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे and you will get the values of x. निकालो. And you will realize कि x की वैल्यूज आ रही है 2 - 1/2, 3 and -1/3. ये आ रही है. तुमने गैस क्या किया था? अब 2 के साथ जिसने 1/2 गेस किया था केयरफुल जब हम नोटिस कर रहे थे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे यहाँ पे था -25 और यहाँ पे 25 माइनस का डिफरेंस था साइन का डिफरेंस है राइट तो अगर एक रूट 2 है दूसरा रूट -1/2 होना चाहिए साइन चेंज बिकॉज यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है फर्क पड़ता है साइन चेंज का और राइट Now the next one. Next one is very interesting. So write down. Solve x⁴ plus 2 x⁶ minus 5 x⁵ minus 13 x⁴ minus 13 x³ minus 5 x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑब्जर्वेशन जरूर देख लेना बट देख लेना करोगे कैसे डेफिनेटली फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट कोएफिशिएंट तो सेम है पर छोटी सी प्रॉब्लम है अभी करो टैकल करो कैसे करेंगे अच्छा सबने ये वाला स्टेप तो किया होगा x⁴ - 7 + 2 x⁴ - 5 - 5x² - 13x² - 13x³ = 0 राइट किया छोटी सी प्रॉब्लम है देखो यहाँ तक तो ठीक है ये भी तो प्रॉब्लम है डिवाइड किससे करना है 4 डिग्री इक्वेशन होते थे x² से डिवाइड करते थे अब यहाँ पे 7th डिग्री इक्वेशन है 7th डिग्री और लास्ट में क्या आ रहे हैं यहाँ पे या तो 4 आ रही है डिग्री या 3 आ रही है तो क्वेश्चन इज x³ से डिवाइड करोगे या x⁴ से प्रॉब्लम हो गई अब सबसे कंफ्यूजन है ये 7 है यहाँ पे प्रॉब्लम है 7 डिग्री इक्वेशन अगर इवन डिग्री इक्वेशन होती आई मीन 4 डिग्री थी तो 2x² से डिवाइड करना था अब यहाँ तो इवन नहीं है ऑड है कर सकते हैं ऐसा। अगर इवन डिग्री इक्वेशन बन जाती तो आर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। एक बार इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, प्रिटी इक्वेशन, या यार रेसिप्रोकल इक्वेशन तो है, बट ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? देख लो एक बार, सारे सेम सेम से कोएफिशिएंट्स हैं। क्या ट्राई करो, 1 ट्राई करो, पुट x as 1 एंड चेक वेदर इट इज द रूट और नॉट। अब यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1, कैंसिल आउट कैसे होगा? तुम 1 क्यों पुट करोगे, -1 पुट करो। मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम मान जाते, सोच के तो पुट करो पहले। देखो यहाँ पे -1 बनेगा, यहाँ पे +2, बट यहाँ पे -2 बन जाएगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे +5, यहाँ पे -5, एंड देन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, कैंसिल आउट होगी सारी टर्म। सो दैट मीन्स -1 इज द रूट। I can say x plus 1 is the factor. अब तुम बोलोगे ना और रूट 2 में हम क्यों? प्रॉब्लम सारी यही थी कि ये 7th डिग्री इक्वेशन है, इवन डिग्री इक्वेशन नहीं है, राइट? मुझे जब एक फैक्टर पता चली गया, दैट मीन्स मुझे कौन सा फैक्टर पता चल गया, 6th डिग्री फैक्टर। 6th डिग्री को टैकल करने में कोई इश्यू नहीं है, वो इजी हो जाएगा। तो वो कैसे निकालें? You will divide this polynomial by x plus 1. करो। हाँ, बट अब तुम ओलंपियाड क्लास में हो, अब ये नहीं कि तुम ऐसे बनाओ फिर देखो कौन सा हो रहा है। बेटर मैथ तुम लो, देखो मैंने x plus 1 इंटू ये जो फैक्टर बनेगा, बनाना क्या है, ये इक्वेशन ही बनानी है ना। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x रेस पर 7 आ जाए? डेफिनेटली यहाँ पे x रेस पर 6 होगा, राइट? अब नेक्स्ट हम क्या है, 2x रेस पर 6, वो बनानी है। अभी तक x रेस पर 7 आ चुका है, x रेस पर 6 आ चुका है, मुझे तो +2x रेस पर 6 चाहिए था, और अभी तक सिर्फ 1 आया, x रेस पर 6 आया, एक और चाहिए, बट x रेस पर 6 और क्रॉसअप कहाँ से होगा? यहाँ पे x है, किससे मल्टीप्लाई करेगा, x रेस पर 6 से, राइट? अब मल्टीप्लाई करना, ये बन गया x रेस पर 6 प्लस x रेस पर 6 बन गया। अगेन यू गॉट 2x रेस पर 6। अब डिवीजन ऐसे करनी है तुम्हें, कौन वो लॉन्ग डिवीजन करेगा, राइट? अब नेक्स्ट x रेस पर -x रेस पर 5 वाले देखनी है, कोएफिशिएंट क्या है, -5। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x रेस का 5 आ रहा है प्लस वन, मतलब प्लस x रेस का 5 में क्या ऐड करूं कि -5 x रेस का 5 बन जाए, -6, तो -6 x रेस का 4। क्यों? x इंटू -6 x रेस का 4 क्या बन जाएगा, -6 x रेस का 5, एंड प्लस यहाँ पे था -5 बन तो गया। नेक्स्ट लिखो, अपने आप लिखो, अब -13 x रेस का 4 बनाना तुम्हें, -13 -6 ऑलरेडी बन चुका है, और क्या चाहिए, -7, ठीक है। अब नेक्स्ट -13 x क्यूब, -13, अब यहाँ पे -7 तो मिल गया, अब -7 -6 x2, राइट? ये भी हो गया। अब -5x2 बनाना। अब एक बात बताओ, -6 इंटू 1, -6 का कोएफिशिएंट मिल रहा है, मुझे -5 चाहिए, हाँ +1 करना पड़ेगा, तो मतलब +x, राइट? अब लास्ट वाला बदल दिया, 1 6 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, = 0। अब से डिवीजन ऐसे करो कि बहुत फास्ट पेस होती है, वो तुम्हें समझा रही थी इसलिए टाइम लगेगा, वेरी फास्ट पेस। ऑलराइट, तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x रेस पर 6 प्लस x रेस पर 5 माइनस 6 x रेस पर 4 माइनस 7 x क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? तो फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, कंक्लूजन है। अब सेम कोएफिशिएंट वालों को इकट्ठा करो, x रेज पर 6 प्लस 1 प्लस x रेज पर 5 प्लस x माइनस 6x रेज पर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब इक्वल टू 0 राइट। अब माइनस 6 यहाँ से पहले कॉमन ले लो, ये बन गया प्लस राइट। नाउ द क्वेश्चन इज डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे 6 डिग्री है 6/2 is 3 हाँ, और वैसे भी लोनसम टर्म 3 है तो दैट मीन मैं किससे डिवाइड करूंगी x क्यूब से। यू विल डिवाइड द इक्वेशन बाय x क्यूब राइट। तो x रेज पर 6 बाय x क्यूब इज x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस x रेज पर 5 बाय x क्यूब दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 by x square minus 6 into x plus 1 by x minus 7 equal to 0 right। now कैसे कर ले तुम बोलोगे मामा x cube plus 1 by x cube x square plus 1 by x square x plus 1 by x यहाँ x plus 1 by x को substitute कर दें x square plus 1 by x square तो मिल जाएगा but इसको फिर बाहर बताओ x plus 1 by x को मैंने y को किया ऑब्वियसली मैंने लिख ली यहाँ पे x square plus 1 by x square क्या होगा y square minus 2 राइट। प्रॉब्लम देखिए इसकी x cube plus 1 by x cube क्यूब आ रहा है तो अभी मैंने स्क्वायर करके ये टर्म निकाली थी ना तो क्यूब करना है इसको क्यूब x plus 1 by x का होल क्यूब इक्वल टू y क्यूब राइट। सो दिस बिकम्स x cube प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3ab 3a क्या है एक्स इंटू बी दैट इज 1 बाय एक्स इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई क्यूब राइट। ओ तो कैंसिल हो गए सो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। तुम बोलोगे मैम ये तो ठीक है इसके साथ ये क्या हो गया बात बताओ तुमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था हाँ 1 plus 1 by x से सब्स्टिट्यूट किया था दैट मीन्स इट इज नथिंग बट y सो दैट मीन्स x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब इक्वल टू y क्यूब माइनस 3y ये सब्स्टिट्यूट करोगे अब तो इक्वेशन में पुट करो कौन है मेरी इक्वेशन हाँ ये पुट करो इक्वेशन में ऑलराइट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब किसके इक्वल आया वाई क्यूब माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0 राइट। अब इसको लिख दें वाई क्यूब माइनस 9y प्लस वाई स्क्वायर पहले लिखना चाहिए ना प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0 क्यूबिक बन गई क्यूबिक ऐसी बनी है जिसका रूप दिख रहा है कौन सा रूट होगा -1 क्यों ये -1 बन जाएगा ये +1 ये +9 ये -9 तो y प्लस 1 इज दी फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक लिखना है तो डिवाइड करके लिख लो फिर ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बना वाई स्क्वायर राइट ऑलरेडी वाई स्क्वायर बना हुआ राइट तो मतलब यहाँ पे वाई वाली टर्म नहीं होगी एंड 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी -9 बन जाएगा राइट। तो वाई की वैल्यू होंगी बेसिकली मुझे वाई टर्म्स आउट टू बी आइदर इट इज -1 3 और -3 राइट। अब वाई था किसके इक्वल एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू -1 और x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 और x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू -3 तो आंसर निकाल लो तीन इक्वेशन है ना हमारे पास, तीन क्वालिटी के क्वेश्चन। पॉलिटिक्स में तुम 100 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन इजीली सॉल्व। में से इस वाले इक्वेशन से तो रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, राइट। तो आंसर लिख लो, चेक कर लेना। -1 वो तो पता ही था, पहले लिखा था 3 ± √5/2 एंड देन -3 ± √5/2, राइट। Done. Now write down the next one. अच्छा, अभी तक हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए थे, सिंगल इक्वेशन को, राइट। नाउ वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लिखो, फर्स्ट इक्वेशन इज x² − 5xy + 6y² = 0 and x² + y² = 10. Come on, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुमने सॉल्व कर रखी है, क्वालिटी भी सॉल्व हो रही है। देखो, लीनियर होती, राइट, तो लाइफ इजी होती, बट अब दोनों ही क्वालिटी क्या है। तो अगर एक क्वालिटी और एक लीनियर हो तो दोनों सॉल्व कर सकते हैं। हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, come on। Quadratic, but अगर एक भी लीनियर होती, I could have solved a linear equation and a quadratic equation। से मैच निकालते एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते। But the problem is ये भी quadratic है, ये भी quadratic है। तो इस quadratic का तो कुछ नहीं कर सकते। x² + y² = 10 इसका क्या ही करोगे? कैसे फैक्टर्स बनाओगे? x² − 5x + 6y² ये अच्छी वाली quadratic है, फैक्टर्स बन जाते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाए? दो वेरिएबल्स हैं। Treat this as a quadratic in a single variable। एक में मान लो, x में मान लो। मिड टर्म्स लेते हुए दिख रही है ना, -5y 6y²। तो सबसे इजी मेथड होता है, तुम ये देख लिया करो, 6 − 5 मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, sum of numbers should be -5 and product should be 6, -2 and -3. So x² − 2xy − 3xy + 6y² = 0। वैसे ये स्प्लिट हो गई, तुम नंबर सोच लिया करो, ये मत सोचा करो यहाँ पे y है उसको क्या करेंगे, वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ पे y² भी तो है, राइट। फिर टर्म स्प्लिट हो गई, तो इसके फैक्टर्स लिखे। तो दिस इज x − 2y × x − 3y = 0, राइट। तो आइदर x − 2y = 0 और x − 3y = 0, दो पॉसिबिलिटीज हैं। इस पर